भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 जनवरी को एक रियलिटी शो के प्रसारण के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इस शो में दो बच्चों ने कथित तौर पर नोटबंदी पर व्यंग किया था। इसके साथ ही ये बच्चे कथित तौर पर पीएम मोदी और उनकी पोशाक का मजाक उड़ाते हुए दिखे। तमिलनाडु में बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया विंग के अध्यक्ष सीटीआर निर्मल कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मंत्रालय ने मीडिया हाउस से 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। शो के कंटेंट को हिंदी के साथ अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है। शो में 14 साल से कम उम्र के दो प्रतिभागियों ने पीएम पर कथित व्यंग के लिए तमिल फिल्म इमसाई अरासन तैसेम पुली केसी की थीम को अपनाया था। निर्मल कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि कार्यक्रम के दौरान बच्चे जानबूझकर पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शो में नोटबंदी, पीएम की विभिन्न देशों की राजनयिक यात्रा और पीएम की पोशाक के बारे में तीखी टिप्पणी की गई है। मामले में निर्मल ने कहा कि जे एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के चीफ क्लस्टर ऑफिसर सीजू प्रभाकरन ने मुझे कहा है कि वह कार्यक्रम से संबंधित सभी तरह के कंटेंट को हटा देंगे और जल्द ही स्पष्टीकरण भी देंगे। दूसरी ओर प्रभाकरन ने कहा कि उनकी कॉर्पोरेटिव कम्युनिकेशन टीम इस मुद्दे को देख रही है और प्रभाकरन ने आगे किसी भी तरह के कॉमेंट करने से इनकार कर दिया।